रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। एटा में दबंगों का कहर, बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीनों भाइयों को मारी गोली, तीनों घायल। बाग में लकड़ी और कंडे बीनने गई दो बहनों के साथ दबंगों ने की छेड़छाड़ और मारपीट। बहनों से छेड़छाड़ और मारपीट की सूचना पर पहुंचे तीन भाइयों पर भी दबंगों की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग में तीनों भाइयों के लगी गोली। गोली लगने से घायल तीनों भाइयों को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दबंग आरोपी अचलपुर गांव के हैं रहने वाले, जबकि पीड़िता किशोरी और घायल तीनों भाई अन्य दूसरे गांव के हैं रहने वाले। आरोपितों ने थाना बागवाला क्षेत्र के अचलपुर गांव के पास घटना को दिया अंजाम। अस्पताल आएंगे, क्या घटना हुई है? मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे मारा भी, और मैंने अपने भाई को बुलाया तो उन्होंने के साथ भी बदतमीजी, उन्होंने गोली मारी थी और सबके तीनों के लगी है उनके। कहाँ के लोग थे ये? अचलपुर के थे। कितने लोग थे वो? तीन थे, मुझे मार रहे थे। मरने आए? हाँ। क्या बात क्या थी? बात क्या, मैं कंडे भी नहीं थी, मतलब बैठी थी, मेरी दीदी लकड़ी भी नहीं थी, इसी की बात में आके वो मुझे मारने लगा। कोई बात हुई थी क्या पहले? हाँ, वो बदतमीजी मतलब गाली दे रहा था, इसीलिए मैं कुछ उससे बोली थी क्यों दे रहा है, इसीलिए वो आए तो बस इतने में ही कर लग रहा। मेरी बहन गई थी कंडा बीनने जी, उन्होंने वहाँ पर छेड़खानी की, मेरी बहनों को दो को मारा जी। उन्होंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, मैं गए, तीन भाई गए, उन्होंने खेत पे भाग गए, घर पर भागे, वहाँ पहुँचे, उनसे बात की, मेरी बात कर लो, उन्होंने लगा लिया तमंचा जी। उनने नीचे उतर गया छत पे तो उन्होंने मार दी गोली, हम तीनों भाई, दोनों भाई को लौट डाल के ला रहे, उन्होंने तमंचा मार दी पीछे से, तमंचा मार के उन्होंने लाठी मारी, फिर भी भाग गए, फिर मैं सब तीन चले आ रहे। आपकी तरफ से कितने लोगों को गोली लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं? तीन लोग। हाँ, तीनों पे गोली लगी है? तीनों गोली लगी। कहाँ के लोग थे जो लोग मारपीट कर रहे हैं? अचलपुर के। आपकी बहन कहाँ गई थी? हमारे खेतों पर, वही नाला, उनका खेत हमारा खेत, सब एक बराबर में पड़ते हैं। अच्छा, तो आपने फिर थाने में कोई तहरीर दी है? हाँ, दे दी। थाना बागवाला क्षेत्र में लकड़ियां बीनने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई सर? थाना बागवाला में दो गांव हैं, पड़ोसी गांव है, कीलरमऊ है और उसके बगल में अचलपुर गांव है। कीलरमऊ की दो लड़कियां, अचलपुर के एक छोटा सा बाग था, वहां पर लकड़ी बीनने के लिए गई थी, और जिसका बाग है वो जब लकड़ी बीन रही थी तो वहां उनके लड़के बाग में आ गए, उन्होंने विरोध किया कि बिना हमारे पूछे लकड़ियाँ आप कैसे यहाँ से बीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी बात पर लड़कियों में कहा सुनी हुई लड़कों ने जो है लड़कियों के साथ मारपीट कर दी और उनकी लकड़ियाँ वहीं फैला दी। इस घटना के बाद दोनों लड़कियाँ जो कि अपने वापस अपने घर पहुँचती हैं और अपने भाइयों से बताती हैं घटना के बारे में, तो उनके तीनों भाई लड़कियों के अचलपुर गाँव पहुँचते हैं आरोपियों के घर पर, फिर वहाँ दोनों पक्षों में कहा सुनी होती है। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष में से एक लड़का छत पर चढ़ गया, उसके द्वारा 12 गोले तमंचे से फायर कर दिया, जिससे कुछ छत तीनों लड़कों को लगे हैं। सूचना पुलिस मौके पर जाकर के तीनों लड़कों को जिला अस्पताल ले गई थी, वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई, वो घर आ गए हैं और FIR दर्ज करते हुए, स्वसंग्रह धारा FIR दर्ज करते हुए अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रही की जा रही है।